तुम क्या हुआ, कुछ बताना चाहते हो? नहीं वरना फिर मैं डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट करूं। तो मुझे हसीब, तुम बात कर रहे हो? जी सर, हसीब, तुम्हारी आवाज मुझे बहुत कट कट के आई है। मैं तुम्हारी बात आवाज बहुत कट कट के आई है मेरे पास। मुझे आवाज नहीं आ रही। सर मैं आपको बता रहा था कि पेपर थोड़ा सा ना लेंथी था, लेकिन वो टाइम पे कंप्लीट लेकिन कर लिया था। अच्छा वो असल में लेंदी तो था, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इतना नहीं था। तो दो चीजें होती हैं, या तो पेपर छोटा होगा कॉम्प्लेक्स होगा, या तो पेपर लंबा होगा आसान होगा। सो दीज आर द टू नहीं सर, सिनारियोस। सर वो एक्चुअली ना मैकाट्रॉनिक्स वालों का पेपर देखा था, तो उनका इतना यानी कि डिफिकल्ट। क्या 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 मेकाट्रॉनिक्स का क्या? मेकाट्रॉनिक्स से तुम कब से बात करना शुरू कर दिए सर हसीब नहीं उमर? अच्छा, नहीं सर, मैं कह रहा हूँ उनका पेपर देखा था, तो वो पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था। इतना डिफिकल्ट नहीं था सर, ना इतना लेंथी नहीं? था, ना इतना डिफिकल्ट। अच्छा, मैंने तुम लोगों को किस तरीके से पढ़ा है? हमारे वाले पेपर मैंने तुम लोगों को किस तरीके से पढ़ा है? कितने न्यूमेरिकल्स मैंने तुम जी लोगों को सर, सॉल्व जिस करवाए? तरह आप सर जैसे आपने पढ़ाया था, आपका पेपर ऐसे देना बनता भी था। अब चलो, खैर अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं लेक्चर के हवाले से। टुडे इज लेक्चर नंबर आई थिंक 22। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर, सो अब तक हम लोगों ने एनालिसिस वगैरह के जो मतलब यानी कि जितनी भी एनालाइजिंग टेक्निक्स थी टुवर्ड्स द सर्किट एनालिसिस, हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिए। वी वर एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, वो क्या क्या चीजें होती थी एंड सो ऑन, उस तरह से रिलेटेड जो चीजें होती थी वो भी। अच्छा, मैं बस ये बुक खोलने लगा हूँ। अच्छा जी, सो टुडे इज लेक्चर नंबर 22। दिस इज पेज नंबर 1। सो फार वी हैव कंप्लीटेड एनालाइजिंग टेक्निक्स। जितनी भी हैं हमारे पास एनालाइजिंग टेक्निक्स थी वो हम सब लोगों ने अब तक कंप्लीट कर ली हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ये शेडो आ रहा है। हाँ, ज्यादा ही आ रहा है शेडो। अब ये शेडो हट भी नहीं सकता। खैर, इसी के साथ अभी बस अपना गुजारा करना होगा। दूसरा ये कि हम लोगों ने रजिस्टर क्या होता है और इस तरह से बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनर सर्किट, वो सब हम लोगों ने समझ लिए हैं। ठीक है, अब जो स्टार्ट होने वाली है कहानी, वो दरअसल हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, मैं तुम लोगों के सामने ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की अगर बात करूं तो काफी सारी टाइप्स के होते हैं। उनमें से उनकी जो कैटेगरी होती है वो दो तरह की कैटेगरी निकलती है। एक हम लगाते हैं स्टैटिक कंपोनेंट, स्टैटिक, और एक हमारे पास क्या आ जाता है डायनेमिक। कोई मुझे बता सकता है अगर किसी ने ये स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में पहले पढ़ा हो तो? क्या डज एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट आर द स्टैटिक कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर डायनेमिक कंपोनेंट्स? आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइस। स्टैटिक इनरश कंपोनेंट एंड डायनेमिक मूवेबल। नहीं,
क्या इसके अंदर कोई चीज घूमती हुई तुम्हें दिख रही है, या इसके अंदर कोई पोजीशन के हवाले से कोई चेंजिंग आती है कंपोनेंट्स के अंदर? नहीं, तो रेजिस्टेंस जो होती है कहा हमारे साथ। वो तो स्टैटिक कंपोनेंट और डायनेमिक कंपोनेंट है क्या? तो स्टैटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, बट डायनेमिक कंपोनेंट्स कैन स्टोर एनर्जी। डायनेमिक कंपोनेंट्स एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तुम लोगों ने अपने ए लेवल्स, ओ लेवल्स, मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट में ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में नाम तो सुना होगा जो कि एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। सो कैन एनीबडी टेल मी कि वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ये तुम लोगों ने पढ़े हैं अपने इंटरमीडिएट में, ओ लेवल। कैपेसिटर एग्जैक्टली, कैपेसिटर। इसके अलावा एक और भी कंपोनेंट होता है, क्या नाम सुना है उसका? बैटरी इंडक्टर, होगा, इंडक्टर। इंडक्टर, इंडक्टर। बैटरी इज अ काइंड ऑफ अ सोर्स दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी। सो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट हैं आज के, मतलब यानी कि एलसीए लेवल्स के ऊपर, कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, वन इज द स्टैटिक कंपोनेंट एंड वन इज द डायनेमिक कंपोनेंट। ये वाला जो पार्ट है, स्टैटिक वाला पार्ट, सो फार सो गुड, वी हैव कंप्लीटेड दिस वन पार्ट, बट नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट और वी आर गोइंग टू इनिशिएट दिस चलिए डायनेमिक पार्ट वाली चीज, जो चीज है ना, भाई, ये हम लोग अब करने वाले हैं। अच्छा, किसी कोई सवाल है? पीछे से मुझे आवाज सुनाई दे रही थी। कोई सवाल? कैपेसिटर होता क्या है? उसकी डेफिनेशन ही एनर्जी स्टोर करने। क्या करता है वो? एनर्जी स्टोर करता है, बिल्कुल सही है। कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है? सर वोल्टेज मतलब वो अपने हिसाब से ही करता है बस। अपने हिसाब से करता है, मतलब यानी कि चल 5, मतलब 10 रुपए की एनर्जी लेके वो सेव कर ले, या फिर 5 जूल्स ऑफ एनर्जी वो सेव कर ले, बस ऐसे ही। नहीं सर, क्या एक मतलब कंपैरिजन? उसकी रेंज होती है 3.5 और इस तरह करके कुछ। सही सही यार, मैं वो चीजें देखना चाह रहा था, एसी और डीसी सर वाले पार्ट। क्या एक 2.5 वोल्ट का होता है और एक 3.5 वोल्ट का होता है, और उसके अंदर फिर एम्पेयर आ अच्छा जाते हैं, उसका नहीं पता सर। अच्छा चलो 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 चलो, अच्छी बात है। सो मैं तुम लोग के सामने कुछ चीजें कैपेसिटर के बारे में बता देना चाहता था, और बुक मैंने खोली है, तो जो बुक का फ्लो रहेगा हम उसी बुक के फ्लो को लेके चलेंगे। सो कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कैपेसिटर। सो कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज इन इट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड। चार्ज तुम्हें तो पता है भाई, चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम चार्ज कहते हैं, जो कि एटम से निकल के दूसरे एटम के अंदर शेयर्ड हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड को किस तरीके से डिफाइन करोगे? हाउ वुड यू डिफाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड? सर चार्ज की मूवमेंट के अराउंड जो फील्ड डेवलप हो रही होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाती चार्ज के दौरान इलेक्ट्रिकल फील्ड। है। नहीं मतलब मूवमेंट के दौरान, मतलब वो जब पास आउट पास करो। कोई और बताना चाहेगा?
कोई और कुछ बताना चाहेगा तो मुझे बताओ, फिर उसके बाद अगर नहीं है तो फिर हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरा फ्लो बन चुका है। सो भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड से मुराद क्या है? लेट सपोज हमारे पास एक डीसी बैटरी है। क्या है? एक डीसी बैटरी है। इस बैटरी के एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये है। सो लेट्स कनेक्ट अ प्लेट। एक प्लेट हमारे पास ये आ गई, एक प्लेट हमारे पास ये आएगी। बिटवीन दीज टू प्लेट्स एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास गैप है। इस गैप के अंदर एयर मौजूद है। ठीक है, क्या है? एयर मौजूद है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया इस प्लेट के इस वाले हिस्से के साथ, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले हिस्से के साथ कर दिया। राइट, सो अब होगा क्या? अब होगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास यहाँ पर इस बैटरी के अंदर जो मौजूद मौजूद जो चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएंगे और कुछ चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। सो दैट चार्ज जो होगा वो हमारे पास बेसिकली इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। सो यहाँ से चार्ज निकलेंगे और यहाँ पर आगे क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज आ जाएगा। सही है। अब बीच में गैप है। अब यहां से इतना पुश इसको अगर बहुत ज्यादा तेज मिल जाए तो ये क्या होगा, ये चार्ज यहां से आके यहां जंप कर जाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई फिजिकल कनेक्शन तो है नहीं। और तुम लोग मुझे कह भी नहीं रहे कि ये वीडियो के अंदर आ भी नहीं रहा, मतलब तुम लोग सो रहे हो, जाग रहे हो। आज कोई मौजूद है भी या नहीं, मतलब क्या चल क्या रहा है भाई? मतलब जब मैंने चार्ज बनाया तो नीचे नहीं आ रहा था ये। तो सर वो सही है, बात नहीं काट रहे। चलो अच्छी बात है यार, मुझे ऐसा फील आ रहा है आज कि मैं आज है ना वो बुतों को और मुजस्मों को है ना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोग की तरफ से कोई रिस्पांस आ नहीं रहा। खैर स्टार्ट करते जहां से हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया था। देखो हमेशा एक बात याद रखो, चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। राइट, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉ, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ दैट इज बीन फॉलोड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक रूल है हमारे पास जो कि बिल्कुल फॉलो किया जाता है। अब बैटरी, बैटरी के अंदर मौजूद क्या है, थ्री चार्जेस मौजूद है। दीज थ्री चार्जेस विल मूव टूवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। You have connected a wire with a single plate. You have connected another wire on a different plate. Between these two plates, there is a gap. इस gap को मैं क्या कहता हूँ? G कह रहता हूँ। Between this gap is it's a air gap. आप इसको कह सकते हैं ये क्या है? Air gap है। अब पीछे से आने वाली वाली जो energy है, अगर उसका धक्का क्या है? बहुत कम है। क्या है? बहुत धक्का कम है। अब वो यानी कि पीछे से आने वाली force कह लो, वो कम है, तो होगा क्या? ये जो चार्ज है इस प्लेट के ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहां से यहां जब नहीं कर सकेगा, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है, इसमें टेंडेंसी नहीं है। अगर इसमें गैप बहुत क्या होता, कम होता, तो ये होता क्या, ये चार्ज यहां से यहां आते और यहां से आके यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाता है, एंड दिस साइकिल विल कंप्लीटली गोज ऑन। लेकिन एयर गैप ज्यादा है, सो दीज चार्जेस कैन नॉट मूव टूवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये समझो प्रोटॉन्स कह लो, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट प्रोटॉन्स। सो अब ये होता क्या है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब अब ये कर क्या रहे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक इनके दरमियान में क्या आ जाती है, एक फील्ड आ जाती है। उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव के ऊपर लग रही होती है। राइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आई समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? Yes, sir. अब चलो इसी को देखते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं। अब ये कैपेसिटर होता क्या है, लेट मी चेंज दिस पेज। सो अगर मैंने जो अभी ये चीज बनाई थी, इन दो प्लेट, एक दो प्लेट लू, ये हमारे पास प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स ही मैं 3D डायग्राम नहीं बना रहा, चलो बना ही देता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से प्लेट्स आ गए यार, ये ठीक है भाई, ये प्लेट्स आ गए मेरे दरमियान। अब इस प्लेट के दरमियान हमने पहले क्या लिखा था, एयर गैप रखा था। अब मैं करता क्या हूं, इस एयर गैप की जगह यहाँ पे मैं कुछ एक ऐसे चीज डाल देता हूं जो कि क्या है, इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है, ठीक है जनाब। अब इंसुलेटर होता क्या है,
इट्स अ नॉन कंडक्टर, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे, क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता। यहां तक तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमने किया क्या, दो प्लेट्स ली, उनके दरमियान कुछ सब्सटेंस डाल लिया और इस पूरे को क्या कर लिया हमने, एक पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पैकेट से हम लोगों ने क्या किया, दो टर्मिनल निकाले, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल क्या आ गया, ये रहा। इस टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बैटरी के साथ। सो दिस इज माय बैटरी। अब होगा क्या, अब होगा किस क्या होगा, कुछ इस तरीके से कि मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां अपेयर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहां अपेयर हो जाएगा। दिस इज माय नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज जो है यहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगी। लेकिन इस इंसुलेटर के दरमियान होगा क्या कि ये अपने इस वाली बीच वाली जगह के अंदर कुछ ना कुछ क्या कर लेगा, चार्ज को रोक लेगा या इसको क्या कर लेगा, स्टॉप कर लेगा, या उसको एक जगह पर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। बिकॉज इंसुलेटर जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते लेकिन चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। कैसे स्टोर कर लेते हैं, आप लोगों ने एक मिसाल मतलब एक्सपेरिमेंट किया होगा सर्दियों के अंदर, अब बाज औकात जब हम लोग अपने बालों को कंघा कर रहे होते हैं, सो उसके ऊपर वो प्लास्टिक के ऊपर अजीब सी एक आपको एक फोर्स महसूस होती है जब अपना हाथ करीब लेके जाते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकता है उसके अंदर, यानी कि चार्ज मूव नहीं कर सकता लेकिन वहां पर चार्ज आके एक्युमुलेट हो सकता है। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्प अस टू स्टोर चार्ज इन अ कैपेसिटर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सबस्ट्रेट ओवर हियर। अब ये बीच में जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर की अपनी एक टेंडेंसी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर कहते हैं। ये कोई मुझे बता सकता है एप्सिलॉन आर क्या चीज होती है? You must have heard of it in your O-level. Yes, sir. ये permittivity of free space होता है, वो E naught होता है। Exactly. E naught भी होता है, ER भी होता है. Basically, अच्छा ER होता है और एक होता है E naught. That cumulates is equals to E, जिसको हम लोग permittivity कहते हैं. E naught जो होता है ना, it's a epsilon permittivity of air, जो कि one के बराबर होती है। ये बिल्कुल, चलो यार ये काम अच्छा किया। तो किसने जवाब दिया, ये अब्दुल गनी नहीं, अब्दुल गफार। अब्दुल गफार, वेरी गुड भाई। अभी परमिटिविटी होती क्या है, बेसिकली इट्स अ टेंडेंसी ऑफ इंसुलेटर टू हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर। ये चार्ज स्टोरिंग प्रॉपर्टी कहलाती है जिसकी वजह मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर को बना सकते हैं। अब मुख्तलिफ इसके अंदर क्या आते हैं, हमारे पास मटीरियल आते हैं, कुछ लोग पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मीका इस्तेमाल करते हैं, एंड सो ऑन। ये मुख्तलिफ किस्म के क्या आते हैं, हमारे मटेरियल आते हैं। इन मटेरियल को दूसरा नाम ही कहते हैं, तो होते हैं और क्योंकि सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, दो चीजों के दरमियान आने वाली जो चीज होती है दैट्स कॉल्ड सबस्ट्रेट। इसकी क्या होती है, हमारे पास परमिटिविटी होती है, दैट्स कॉल्ड एप्सिलॉन। And this is how you can make a capacitor. So in other words, you can say that a capacitor construction के अतबार से तो ये है, construction के अतबार से तो हमारे पास क्या है, ये है। अब होगा क्या कि मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड वो हो गई, क्रिएट हो गई, और इसके बीच में क्या हो गया, ये एक अदद हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, हमारे पास काफी सारे इसके अंदर सेव हो गए। क्या हो गए, सेव हो गए या स्टोर हो गए। अब कितने स्टोर हुए हैं, इसका हमें जो रिलेशनशिप है कि कितना है, क्या रिलेशनशिप है, क्या नहीं है। सो दिस रिलेशनशिप वॉज डिफाइंड बाय माइकल फैराडे। नाम तो सुना होगा। इस माइकल फैराडे ने क्या बताया कि अगर मुझे एक कैपेसिटर है, उसकी क्या करनी है, हमें चार्ज मालूम करना है कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है। सो दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय माइकल फैराडे, और उसने ये कहा था कि हमारे पास चार्ज इन अ कैपेसिटर, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर इज इक्वल्स टू द सी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और इनटू वी, वेयर वी इज द वोल्टेज।
वोल्टेज हमें पता है और सी हमारे पास क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई। अभी कैपेसिटेंस है क्या, बेसिकली हाउ मच कैपेसिटर, ये मतलब इसकी एक अपनी सलाहियत होती है, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर, हाउ मच कैन चार्ज इन कैन इट कैन स्टोर। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पास घर में एक बाल्टी है या गिलास कह लो, ठीक है, क्या कह लो, गिलास कह लो। इस गिलास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या हो सकता है, पानी स्टोर हो सकता है। अगर मैं उस लेवल से जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा। इन द सेम मैनर हर कैपेसिटर की अपनी क्या होती है, खास कैपेसिटी होती है कि इतने माइक्रो फेराड जो चार्ज है वो स्टोर कर सकता है, यानी कि फेराड्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब इतना चार्ज स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इससे ज्यादा अगर हो गया चार्ज तो ये फिर क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा और देन उसके बाद ये कुछ भी स्टोर नहीं करेगा। अब जैसे कि ये मेरे पास एक ml का ग्लास है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 ml है। अब होगा क्या, जब मैं यहाँ से पानी इंसर्ट करना शुरू करूंगा तो पहले वो यहाँ भरेगा, फिर बढ़ता जाएगा और एक टाइम के बाद आके ये कितना हो जाएगा, पूरा इस लेवल तक पहुंच जाएगा। जब इस लेवल तक पहुंच जाएगा तो इसकी अपनी कैपेसिटी क्या हो गई, फुल, और उसके बाद क्या होगा, ये स्पिल आउट हो जाएगा। सेम गोज फॉर दी कैपेसिटर, चार्ज स्टोर होता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगी एंड देन चार्ज विल स्प्रेड आउट, राइट। तो ये एक इसके अंदर कैपेसिटेंस वगैरह के इसके क्या क्या लग सकते हैं, फॉर्मूले हो सकते हैं। कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, हाउ मच चार्ज इट कैन स्टोर। ठीक है, एंड इट्स अ रेशियो। अगर मैं कैपेसिटेंस को अगर मालूम करना चाहूं किसी भी, तो ये होता है Q is equals to CV. इसकी जो यूनिट होती है वो फेराड्स में होती है, क्योंकि इसको दरियाफ्त करने वाला जो शख्स था वो था माइकल फेराडे। ऑल्दो कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये क्या है, इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर। अब फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद क्या है कि इसके कुछ क्या होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे पास कैपेसिटेंस टोटली क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। सो यहाँ पर हमारे पास अगर कैपेसिटर की मैं टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना चाहूँ किसी भी कैपेसिटर की, तो वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए ए ओवर बी। ये जो है इट्स अ परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर। सो परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट where d is the distance between two plates. ठीक है, यानी कि ये मेरे पास इसका कोई ना कोई एरिया होगा और यहां से लेके यहां तक इनका जो डिस्टेंस है। सो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है इट टोटली डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर कैपेसिटर, पैरल प्लेट कैपेसिटर। नॉर्मली हमारे पास काफी किस्म के वो आते हैं कैपेसिटर आते हैं, कुछ हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आते हैं, कुछ हमारे पास सिंगल बॉटल नुमा किसी के कैपेसिटर आते हैं, कुछ हमारे पास फॉइल कैपेसिटर आते हैं। तो कैपेसिटर की स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जा रहे हम लोग, सिर्फ क्या कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। घरों में उमूमन जो पंखा लगा हुआ होता है तो वो पंखे के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है वो करता क्या है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो एक काइंड ऑफ अ लैगिंग क्या करता है, एक लैगिंग प्रोवाइड करता है। अब वो लैगिंग का मतलब है क्या, मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताता हूँ उसको। सो अभी तक जो हम लोगों ने कहानी आपको
मैंने अभी तक जो सुनाई है वो कहानी किसी को समझ में आई? गफार, जी सर, अब तक समझ में आई मैंने जो कहा? अच्छा, जी सर, परमिटिविटी हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए? अगर मुझे एक अच्छा कैपेसिटर चाहिए तो परमिटिविटी कितनी होनी चाहिए? अच्छा कैपेसिटर या उसके अंदर जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा है अगर मुझे चाहिए? लेट सपोज यू आर टास्क टू डिजाइन अ कैपेसिटर, तो परमिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए फॉर अच्छी कैपेसिटेंस? सर ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी कैपेसिटी चाहिए। और इसके अलावा किसी का और मतलब कोई जवाब? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए वो ज्यादा होनी चाहिए। चलो, एक ये भी अच्छा है। तो परमिटिविटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारे पास क्या होगा? कैपेसिटर होगा, राइट? जी सर, अब चलते हैं कुछ हमारे पास कैपेसिटर के उसके ऊपर, सिंबल्स के ऊपर। तो कैपेसिटर के एक सिंबल ये होता है, कैपेसिटर का एक सिंबल ये भी होता है, कैपेसिटर का एक सिंबल ये भी होता है। सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है पैरेलल, ये भी कैपेसिटर का है, ये भी कैपेसिटर का है। ये जो कैपेसिटर कहलाता है दैट्स कॉल्ड नॉन पोलर। इस नॉन पोलर का मतलब क्या है कि इस रेजिस्टर को, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि रेजिस्टर के ऊपर एक नेगेटिव, नॉन नेगेटिव टर्मिनल होता है ना पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो सेम गोज फॉर हेयर। आप इसको मतलब पॉजिटिव इधर लगाओ या इधर लगाओ, इधर लगाओ या इधर लगाओ, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। एक और हमारे पास कैपेसिटर, इसको हम लोग कहते हैं पोलराइज। हमेशा इसकी नेगेटिव टांग जो होती है ना वो ये होती है, इसकी पॉजिटिव टांग क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल कह लो या पॉजिटिव लेग कह लो, ये होती है। इसको हम लोग हमेशा ग्राउंड कर दें, यानी कि दिस लेग हैज टू बी कनेक्टेड लोअर पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या करते हैं, लोअर पोटेंशियल के ऊपर कनेक्ट करते हैं और इसको हम हायर पोटेंशियल के ऊपर कनेक्ट करते हैं। अगर ऐसा ना किया तो ये कैपेसिटर फट सकता है। और ये हमारे पास जो है ये कहलाता है वेरिएबल कैपेसिटर। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कैपेसिटर होता है, 3 लाख कैपेसिटर होता है, ये 2 लाख कैपेसिटर होता है। ये इसके ऊपर एक बना हुआ होता है, एक अदद हमारे पास क्या बनी हुई होती है, एक नॉब बनी हुई होती है। इसको मैं क्या करता हूँ, इधर या उधर रोटेट करता हूँ तो हमारे पास क्या होती है, मुख्तलिफ कैपेसिटेंसेस आती है, राइट? अभी तुम लोग अब जब हफ्ते को या इतवार को जब वहां वहां पर आओगे यूनी में, तो मैं फिर आप लोगों को इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना वो भी दिखा दूंगा कि होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ, ये करंट कितना स्टोर कर सकता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फॉर अ डीसी, फॉर डीसी सप्लाई, फॉर डीसी सप्लाई कैपेसिटर जो होता है ना, ओपन सर्किट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका एक क्या कहना चाहिए, इसका एक पॉस्टुलेट है और ये चीज होती है। अब ये कैपेसिटर करता क्या है, लेट सपोज हमारे पास एक अदद क्या है, हमारे पास ये बैटरी है। इस बैटरी के साथ मैंने बीच में क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक अदद मैंने यहां पे क्या लगा दी, ये एक अदद मैंने एलईडी लगा दी। क्या लगा दी, एक अदद एलईडी, सही है जनाब? अब कैपेसिटर करता क्या सर्किट के अंदर, फॉर डीसी सर्किट। अब होगा क्या, इस कैपेसिटर को मैं अगर समझूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि ये मेरे पास एक अदद कैपेसिटर है, ये एक अदद मेरे पास क्या है, टरबाइन समझ लो, या कोई मैं इसको कह देता हूं, ये समझो कोई मेरे पास एक व्हील है और यहां पे पानी का क्या हो रहा है, ये ड्रेन हो रहा है यहां पर।
सही है। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, एक अच्छा ये जो है ना बिल्कुल यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इसके बॉटम पर है और ये क्या है, और यहाँ से क्या हो रहा है मेरे पास पानी जो है ना वो इनलेट हो रहा है, क्या हो रहा है पानी इनलेट हो रहा है। अब होगा क्या, कैपेसिटर को मैं एज एन पानी वाली जो मिसाल है ना वो मैं बताना चाह रहा हूँ। सो ये एक्चुअली सर्किट के अंदर करता क्या है, ये सर्किट के अंदर अब करेगा क्या कि इसको भूल जाओ, अभी नीचे वाले सिनेरियो को देखो कि मेरे पास एक ये बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर यहां से आने वाला जो पानी है एंटर हो रहा है और यहां से क्या कर रहा है लीव कर रहा है। अब होगा क्या, पानी यहाँ पर आया, अब ये भरता भी जा रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये इस व्हील को घुमा भी रहा है, क्या कर रहा है इस व्हील को घुमा भी रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पानी का पूरा क्या हो जाएगा, टैंक यहां तक भर जाएगा और यहां से पानी से लीकेज भी हो रही है, एंड दस आपके पास ये क्या हो रहा होगा, ये पिन घूम रहा होगा। अब आप करते क्या, जब ये यहां तक भी पूरा फिल हो चुका है, आपने यहाँ वाली पानी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब होगा क्या, इसके अंदर अब पानी काफी सारा स्टोर हो चुका है और ये क्या कर रहा होगा, कंटिन्यूअसली इसको क्या कर रहा होगा, ये घुमा रहा होगा, घुमा रहा होगा, घुमा रहा होगा। कब तक घुमा रहा होगा, जब तक मेरे पास यहाँ का इसका लेवल का यानी कि इस टैंक का लेवल बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो नहीं हो जाता है। वंस ये जीरो पहुंच गया तो ये क्या हो जाएगा, घूमना बंद कर देगा। इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारे पास कैपेसिटर भी क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। कैसे, अब आपने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, अब होगा क्या, यहां से इसमें क्या आ रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। कैसे स्टोर हो रहा है कि यहाँ पर चार्ज आया स्टोर हो गया, यहाँ पर आया स्टोर हो गया, यहाँ पर आया स्टोर हो गया, यहाँ पे आया स्टोर हो गया, हो गया हो गया। और एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, इसके बीच के दरमियान यहाँ पे भी चार्ज स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एंड दस जब पूरे इसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर आके बैठ गया तो दैट मीन्स कैपेसिटर हमारे पास क्या हो गया, चार्ज। ये क्या हो गया, बिल्कुल चार्ज। जब कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज हो जाता है तो हम लोगों ने क्या कहा था, कैपेसिटर क्या होता है, इट्स अ शॉर्ट सर्किट। सॉरी ये गलत कह दिया मैंने, नहीं, कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज जो होता है, एक मिनट, डीवी ओवर डीटी जीरो आई जीरो शॉर्ट सर्किट होता है ये। तो फिर सर एसी में ओपन होगा? नहीं यार, एक मिनट, एक मिनट यार, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट, कैपेसिटर सही लिखा था मैंने, सॉरी, डीसी में ये ओपन सर्किट सही लिखा था, ये ओपन ही होता है, ओपन ही होता है, सही है। अभी एसी वगैरह को भूल जाओ और इस पोस्टुलेट को भी भूल जाओ कि ये है क्या चीज, सही है। सो ये हमारे पास मतलब कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्या हो गया, बिल्कुल बिल्डअप हो गया। अब उसके बाद होगा क्या कि ये क्या हो जाएगा, मेरे पास फुल चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज होने के बाद होगा क्या कि अब इसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर लिया और कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चार्ज जब यहाँ पे स्टोर हो रहा था तो एलईडी भी क्या हो रही थी, कंटिन्यूअसली जल रही थी। वंस मैंने क्या किया, इस बैटरी को बिल्कुल डिसकनेक्ट कर दिया, होगा क्या, अब इसके अंदर जितना भी चार्ज स्टोर हुआ हुआ था अब वो क्या करेगा, उसको कुछ देर तक ये क्या करेगा, अब इसकी सप्लाई ये बन जाएगा, एंड दस काफी यानी कि इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद भी ये काफी देर तक क्या कर रहा होगा, जलता रहेगा। अब मैं इस चीज को समझाने के लिए और अच्छे तरीके से समझाने के लिए कल मैं इंशाल्लाह एक एनिमेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर की एंड इंडक्टर की एनिमेशन होगी जिससे आपको समझने में काफी मदद मिलेगी। अब एक चीज मैं ये कह देना चाहता था कि इसके अंदर हमारे पास आई भी होता है यानी कि कैपेसिटर है तो ये कुछ ना कुछ एक आई भी देगा और ये कुछ ना कुछ क्या देगा, वी भी देगा। अब ये आई के लिए इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है सी डी वी ओवर डी टी। अगर मुझे हाउ मच करंट इज पासिंग फ्रॉम दिस कैपेसिटर अगर मुझे फाइंड आउट करना है सो दैट कैन बी फाउंड बाय दिस रिलेशनशिप। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि कैपेसिटर डीसी के लिए हमारे पास क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। सो वो कैसे हो सकता है कि भाई डीसी के अंदर डीवी ओवर डीटी की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो मुझे ये बताओ। जीरो। क्या सब लोग इस बात से इत्तफाक करते हैं? बिल्कुल जीरो होती है, जिसने कहा सही कहा कि जीरो होती है।
जब ये जीरो हो जाएगा तो आई भी क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो। और आई जीरो कब होता है हमारे पास, सर क्या होता है? हाँ सर, जीरो। अब अच्छा, अब मुझे बताओ वन बाई टी इसका मतलब क्या होता है, या डी बाई डी टी का मतलब होता क्या है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको अगर मैं सिंपल सा बताना चाहूं तो आसान लफ्जों में किस तरीके से बता सकता हूं? आप बेसिकली एक क्वांटिटी का क्या कह रहे हो, रेट ले रहे हो, क्या ले रहे हो? एक क्वांटिटी आप उसका क्या कह रहे हो, डी बाई डी टी का मतलब है रेट ले रहे हो। अब ये रेट का मतलब क्या है, यानी कि आप ये चेक कर रहे हो टाइम के अतबार से कितना चेंज आ रहा है। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो उस सूरत में क्या होता है डेरिवेटिव, किसी भी चीज का डेरिवेटिव क्या हो जाता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है? कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। जीरो, जीरो। समझ आ गया सर। और मुझे ये बताओ डीसी सप्लाई के अंदर क्या वोल्टेज मेरे पास इस तरीके से चेंज हो रहा होता है? नो सर, स्ट्रेट स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। सो इट्स अ कांस्टेंट। सो फॉर डीसी सप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, राइट? और ओपन सर्किट के अंदर हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस कैपेसिटर ऑन अ डीसी सब डीसी सप्लाई क्या कहना चाहिए, जीरो होता है। अब मेरे ख्याल से मुझे भी अब जाना है यूनिवर्सिटी, और आज के लिए मैं कहता हूं कि यार इसको आज यहीं पर ही रखते हैं। बाकी इसके अंदर जो कल सवालात वगैरह जो है ना वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। कल आप लोगों को जैसे मालूम है कि आप लोगों के आखिर के तीन सेशंस जो होते हैं वो खाली होते हैं। मंडे को मैं क्लास नहीं ले पाया था, सो काइंडली मुझे शारिक साहब बल्कि गफार भाई आपने काम ये करना है, और शारिक भाई आपने भी ये काम करना है कि कल का मुझे अपडेट करना है कि कल किस टाइम क्लास रखनी है। ओके सर। अच्छा एक चीज और थी, यहाँ पर अभी कितने लोग मौजूद हैं? दो यूजर को हटा के 35 यूजर मौजूद है मेरे पास, और क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो टोटल कितनी है? शारिक कितनी निकाली थी हम लोगों ने लास्ट टाइम? सर टोटल का तो नहीं पता, लेकिन तकरीबन 9-10 लोग नहीं थे, मतलब क्लास में नहीं मौजूद। टोटल 37 आई थिंक। चलो करीब तक तरीन पहुंच गए। मेरे पास अब तक जो सोल्यूशन आया ना वो 38 सोल्यूशन आए, मतलब हम लोगों ने पेपर के अंदर जो सबमिशन कॉपीज हैं दैट 38 है, तो 38 मेरे पास वो कॉपीज आई थी, और उनके जो नंबर्स है ना, हाँ हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, उनकी जो सॉल्यूशंस हैं वो मुझे चेक करने हैं। वंस मैं चेक कर लूंगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसको क्या कर लूंगा, डिस्कस भी कर लूंगा कि हाँ भाई ये अगर कोई ऐसा सवाल जो कि आपको लगता है कि भाई मैंने बहुत ज्यादा हार्ड दिया था, किसी सवाल के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बताओ कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 3 ये ऐसा था। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके अंदर 4 लूप्स बन रहे थे, ऐसे ही था, 4 लूप्स थे, ऐसे ही था क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे ख्याल से वो। जी यस सर। निकालना यार तुम लोगों तो पेपर भी याद नहीं है।